दोस्तों हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जिस तरह से परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, इससे ये साफ स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी चाहे इन सीटों में अपनी जीत बताती हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, इसी के साथ साथ जिस तरह से 16 और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उनके जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी को चौंका देने वाले हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि गुजरात जैसे यानी कि स्टेट में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां से कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए 3 सीटें झटक ली 6 में से, ठीक है। तो ऐसे में कर्नाटक में भी अब यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल इसके ऊपर जो कर्नाटका के पूर्व सीएम हैं सिद्धरमैया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी वहां पर भी 15 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी को 6 सीटें कंपलसरी जीतना होगा। अगर 6 से एक भी सीट बीजेपी की कम हो गई तो समझ लीजिए बीजेपी का जाना कर्नाटक से तय हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार कर्नाटका में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए मैं इसके साथ विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सिद्धरमैया जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम कर्नाटका के, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में कांग्रेस आगामी उपचुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र में मोदी सरकार के मोह भंग और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पतन के संकेत दे दिए हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं, आप इस ट्वीट में देखिए, साफ साफ उन्होंने लिखा है, वी हैड ए लिटिल सेटबैक इन हरियाणा एज फेवरेबल लीडर्स लेफ्ट द पार्टी, इफ ए लिटिल मोर एफर्ट वॉज पुट इन ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी रिसोर्सेस। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, 15 सीटों का उपचुनाव है हरियाणा में, अगर एक भी बीजेपी की सीट कम हुई तो बीजेपी के लिए ये अच्छा नहीं होगा और बीजेपी का जाना तय है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से अभी जितनी सीटें हैं उसकी वो तो सही है, लेकिन आगे जब उपचुनाव 15 सीटों पर होगा उसमें 6 सीटें उसके लिए जीतना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में ये जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है और आप लोगों ने देखा भी होगा जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं सभी 16 स्टेट में, बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी के लिए ये काफी अच्छा नहीं है और बीजेपी के पतन की कहीं ना कहीं एक तरफ से बयार चल चुकी है। दोस्तों इस पे आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।